नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है, 8:15 का टाइम हो रहा है और चाय वगैरह हमारी हो गई है और आज मैं नहा ली हूँ और आज मैंने पूजा की है। करीब 12-13 दिन बाद आज मैंने पूजा करी है क्योंकि अभी इतनी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि आज भी प्रॉपर नहीं कर पाई हूँ, जिस तरीके से जितना टाइम मैं लेती हूँ नहीं होता है, मुझसे अभी खड़ा नहीं हुआ गया इतनी देर और बोला भी नहीं जाता है इतना। तो बेल्ट वेल्ट लगा के ना तो मैं नहा ली थी जल्दी, नहा धो के रेडी हूँ। और ये देखिए, मैंने छोटे छोटे बैंगन थे छोटे वाले तो वो कट कर दिए हैं बैठ के, यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ये किचन में। अपना प्याज व्याज टमाटर कट कर रहे हैं, आज ये बैंगन बनेंगे क्योंकि कल से है नवरात्रि शुरू और फिर नवरात्रि में प्याज नहीं बनता। और बैंगन ऐसी चीज है जो बिना प्याज के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो बस ये ले आए थे तो मैंने चलिए इनको जो है निपटा लो और आज प्याज का खाना बन जाएगा, कल से बंद हो जाएगा, तो इसलिए ये कट हो गए हैं। और बस मेरा तो काम लगभग हो ही गया क्योंकि मैं नहा भी ली हूँ, मेरी पूजा भी हो गई है, मेरी चाय भी हो गई है और इनके जो मेरे बस का काम था ये मैंने सब्जी भी कट कर दी है। तो बस अब मैं करती हूँ रेस्ट, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, अब ये अपना खुद देख लेंगे। देखो ये पड़ा है पे अंश बाबू और इसका पूजा की जिम्मेदारी इसकी हुआ करती थी, तो आज देख लो आज ऐसे ही पड़ा है, आज मम्मी ने पूजा कर ली। ठीक है, तो ऐसा करता है, श्रेय चला गया किचन में पापा की हेल्प करने के लिए क्योंकि आज तो श्रेय भी घर पे ही है, तो काम तो आज इनको मैं बहुत सारे देने वाली हूँ। कल बोला था इनको बेडशीट चेंज करने के लिए, इन्होंने की क्योंकि श्रेय नहीं था और ये महाराज को कुछ करते नहीं है, तो आज श्रेय को भी बहुत सारे काम करने हैं और बाबूजी आपको भी बहुत सारे करवाने हैं। ठीक है, दोनों भाई घर पूरा क्लीन कर दो। ठीक है, कल फिर माता रानी आएगी, ऐसे गंदी बेडशीट वगैरह अच्छी नहीं लगती, मेरा मन नहीं मानने का बिल्कुल भी। ठीक है, सारी बेडशीट चेंज कर दो, मशीन में डाल दो। नहीं बेटा बिल्कुल बोलेंगे, बेटा श्रेय मशीन लगा देता जब तक वो वैसे कपड़े धुल जाते, तुम्हारे जैसे पैंट शर्ट पापा के जीन्स इकट्ठी हो रही। इन्होंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया था और उसमें जीरा डाल दिया है और बस ये फिर रफली चौकी हुई प्याज डाल दिया जो लेंथ वाइज ही मोटी मोटी कट कर रखी है इन्होंने, और बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। मैं वहाँ से ही बोल रही थी इनको अंदर बैठी बैठी कि ज़्यादा मत भूनना, नहीं तो बैंगन वैसे ही काले होते हैं और वो काले काले सब्जी हो जाएगी, तो इसको हल्का ही भूनना होता है। और बस फिर इसमें जो है टमाटर हरी मिर्च डाल दिया है। ये अचारी बैंगन बनते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। जो बैंगन खाना पसंद करते हैं उनको बहुत टेस्टी लगते हैं, जो नहीं खाते उनकी तो खैर बात ही क्या, जैसे कि हमारा शरीर नहीं खाएगा। तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये सब इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है और टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक मैंने इनको भूला था, बैंगन पहले थोड़ा ज़्यादा लगते हैं और बहुत ही श्रिंक हो जाते हैं, फिर बहुत थोड़े हो जाते हैं, तो नमक ज़रा ध्यान से डालना। और बस पानी वानी सब्जी में नहीं जाएगा, टमाटर में काफ़ी मॉइस्चर होता है तो पानी आ जाता है, इसमें ही ये सब्जी बन जाती है। और ऐसा भी नहीं है टमाटर को बहुत ज़्यादा मसी करना है, बहुत ज़्यादा पकाना है, तो बस थोड़ा सा इनको हल्का सा जैसे मसाले मिक्स हो गए हल्का सा सॉफ्ट हो गया और फिर इसमें ऐड कर देंगे जो कटे हुए बैंगन है वो। बैंगन छोटे साइज के थे तो इस तरह से बन जाते हैं, हालांकि कई दिन के रखे हुए हैं, बीज इनमें हो गए थे, ये लेके आए थे ना सब्जी तो उस दिन के रखे हुए ही थे क्योंकि ये तीन लोग हैं, इतनी ज़्यादा सब्जी बनती तो नहीं है। और आज भी ये ऐसी सब्जी है, श्रेय तो इसको खाएगा नहीं क्योंकि श्रेय बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाता है किसी भी तरह से बने हुए, वो बैंगन की ग्रेवी तक नहीं खाएगा अगर हम मसाला बैंगन बनाते हैं तो, उसको ऐसी स्मेल आती है बैंगन के अंदर से। लेकिन ये ले आए थे तो बस अब इन दोनों के लिए बनानी पड़ेगी ये निपटाने के लिए, तो अच्छे से कर दिया है इसको मिक्स
और बस कवर करके छोड़ देंगे इसको पकने के लिए। हालांकि मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैं तो रूम में ही थी, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बस तभी मैं आपको बता रही हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे कवर किया क्या किया, लेकिन हाँ कवर कर दिया है। और वैसे मैं इनको ना अंदर से ही बताती रहती हूँ कि इसको बीच में चलाना है, और ये बहुत ही जल्दी सब्जी बन जाती है। तो ये देखिए अंश यहाँ पे चेक करके देख रहा है, तो सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी लगती है पराठे के साथ, रोटी के साथ, या फिर साथ में दाल वगैरह हो तो और भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे ये हो गए हैं रेडी, न इन्होंने फुलके उलके सेक दिए हैं क्योंकि दोपहर को बनेगी खिचड़ी मूँग की दाल की, तो बस थोड़े से फुलके सेके हैं, इनका लंच पैक हो गया है, और सुबह के इन्होंने बस इतना ही इन्होंने बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिरे खाएगा नहीं पेट भर के तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए एक्स्ट्रा रोटी नहीं बनाते हैं। दोपहर में खिचड़ी उचड़ी जो भी उनको मन करता है ना वो खुद बना लेते हैं। तो ये अब चले जाएंगे ऑफिस, और बस हम तीनों माँ बेटा अब जो है मैं इनको बताऊंगी, और ये इन्होंने जो है काम करने हैं आज ढेर सारे, क्योंकि कल नवरात्रि है तो आज तो इनको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्रेणी लगा दी है मशीन सबसे पहले, अभी इन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, बाद में ही करेंगे, पहले मशीन लगा दी, क्योंकि फिर और भी कपड़े धुलने हैं आज बहुत सारे, तो मैंने बोल रहा था कि बेटा पहले मशीन लगा दो, कई दिन की जीन्स वगैरह इकट्ठी हो रखी है इनकी, तो वो सब इसमें डालती हैं। और यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट करने के बाद छोटा बाबू लग रहा है अपनी किचन क्लीन करने में, किचन अभी क्लीन नहीं हुई है, बर्तन कर दिए हैं, बस ये है कर तो बच्चे लेते हैं, लेकिन वही है थोड़ा सा मतलब जगह पे सामान रखना उसमें थोड़ा सा इनको इतना नहीं पता है अभी, और इतना कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। तो किचन वो कर रहा है और लगभग हो ही गई है उसकी किचन भी। तो यहाँ पे श्रेय ने कर दिया अपना दूसरा काम शुरू, ये जो हमारे फ़ैन है अंदर रूम के बहुत गंदे हो रखे हैं, ये शायद श्रेय ने होली पे नहीं किए थे, बाहर के तो होली पे कर दिए थे लेकिन ये नहीं किए थे, तो अब फैन चलने लगे हैं, थोड़ा ना इन पर धूल धूल नज़र आ रही थी, गंदे लग रहे थे, तो बस बेडशीट वगैरह चेंज होती है तभी फ़ैन साफ़ करते हैं, नहीं तो फिर ऊपर से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है थोड़ा बहुत। तो बस दोनों भाई लग गए हैं अपने इस काम में, और बस साथ में ये भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर देंगे, जैसे घड़ी वगैरह होती है, और ये बल्ब है ऊपर का नाइट बल्ब, तो इस पर भी थोड़ी सी धूल सी नज़र आ रही थी। इस तरह के सारे काम करके फिर जो है बेडशीट चेंज कर देंगे, ये देखिए बेडशीट हटा दी है, और ये कॉटन की अपनी नॉर्मल बेडशीट डालेंगे, वो थोड़ा हैवी सी डली हुई थी पहले, और फिर ग्लेस कॉटन की डाल दी थी, तो अब ये प्योर कॉटन का आ गया है, ये देखिए। तो बस अब श्रेय जो है बेडशीट वगैरह बिछा देगा, और मैं इनको बताती जा रही हूँ, तो बोला इनको कि चलिए मैंने बेल्ट फिर से लगा ली है, पहले तो मैंने हटा दी थी लेटते टाइम, और बस अब मैं उठी हूँ, मैंने चलिए पिलो वगैरह ना मैं डाल देती हूँ धीरे धीरे करके, हालाँकि इतना टाइम तो मुझे अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा अंदर तो बहुत दुख होता है अभी, इतना नहीं है कि बिल्कुल एकदम, बाहर से ठीक लग रहा है, बाहर से देखने में अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अंदर का जो जख्म होता है वो तो देखिए टाइम लेता ही है। हाँ जी, तो श्रेय बाबू ने जो है ये बेड मतलब बेड से चेंज कर दी, पैन साफ कर दिया, और जो इधर का एक्स्ट्रा बिस्तर है उसकी भी कर दी, तो इस रूम का जो हो गया है सब कुछ काम डन। अब धुलने में डाल देगा बाद में, अभी तो मशीन लगा रखी है, और बस उस रूम की करनी है वो कर देगा। हंस ने किचन का कर दिया है, और भी थोड़ा डस्टिंग आज ये कि उसमें भी कर दी बेटा ड्राइंग रूम में भी थोड़ी सी डस्टिंग, तो थोड़ा सा लगेगा कि कल हाँ नवरात्रि है, थोड़ी क्लीनिंग से अच्छे से हो गई। देखिए दूसरे रूम का भी इन्होंने इसी तरह से सारा अच्छे से साफ कर दिया है, और अब श्रेय कर रहा है बाहर धुलाई वगैरह, धूप हो चुकी है पर धुलाई भी होना है, क्योंकि सुबह सुबह फिर होती नहीं है इतनी जल्दी, सुबह पूजा जल्दी करनी होती है ना, पहली नवरात्रि है, होगी तो डेली जल्दी लेकिन फिर इतना काम नहीं होगा, तो बाहर भी, और फिर आजकल ना धूप इतनी तेज़ होती है, जो छोटे मोटे बाहर क्यारी वगैरह बनाई हुई है ना पेड़ पौधे, तो उनमें पानी चाहिए ही होता है। और ये छोटा सा मनी प्लांट है यहाँ पे, जो एक ब्रांच थी ये मैंने इसमें बॉटल में लगा दी थी, हालांकि थोड़ी थोड़ी ग्रो तो कर रही है पर उतनी नहीं कर रही है ये। हाँ जी, तो अब टाइम हो रहा है रात का, 10 बज रहे हैं, और आज लेट ही हो गया थोड़ा सा, क्योंकि आज शॉप पे था, ये भी लेट ही आ रहे हैं, कल बहुत लेट आए थे, आज भी थोड़ा लेट ही आए हैं, बस फिर खाना वाना खाया, एक दो कॉल वॉल आ गया, फ़ोन पे लग गए, तो आज लेट हो गया, और बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया आज, क्यों नहीं किया वो अभी आपको पता लग जाएगा। आज हमारे घर तो छोटे छोटे नन्हे मेहमान आए हैं, तो हम लग गए थे उनके चक्कर में,
और श्रेय की तो अभी किचन से ही आवाज़ आ रही है, वो दही वगैरह जमा रहा है, दूध गर्म कर रहा है। जामन तो खैर दही में मैं लगा दूंगी, उठ के अभी उठूंगी मैं एक बार, और दूध उसने गर्म कर दिया। बाकी दिन में वह अभी खाना वाना हो गया है सबका, और ये बताएगा आपको आज कि आज कौन आया है और किस चीज़ में हम बिजी हो गए थे। कुछ आज फ़ोन पे भी बहुत ही ज़्यादा बात हुई है तो टाइम निकल गया। और हाँ, फिर आज जो है नवरात्रि से पहला दिन है, माता का सामान भी आया है पूजा का, तो उसमें भी काफ़ी लेट हो गया, देर से लेके आया, बहुत भीड़ थी, दिन में टाइम नहीं मिला था बच्चों को। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की बधाई दे देती हूँ। नवरात्रि की बहुत सारी बधाई हो आपको, और माता रानी सबके जीवन में अच्छा अच्छा सबकी मुराद पूरी करे, खुशियाँ लेकर आए। तो सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब दिखाता है आपको अंश कि हमारे घर कौन आया है, बहुत ही क्यूट क्यूट। हेलो जी, तो हमारे घर आए हैं दो नन्हे से क्यूट से मेहमान, चलिए पहले उनसे ही मिल लेते हैं। और ये हमने ज्यादा दिन से नहीं सोच रखा था, एक रैंडम प्लान था ये हमारे। दो दिन में सोचा और दो दिन में पूरा हो गया। देखो पहले बात तो भैया झांक झांक के देख रहा हूँ उन्हें। तो हमारे घर आए, एक मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, हमारे घर आए हैं ये दो नन्हे से रैबिट। ये देखो, एक है प्योर वाइट और एक है ब्लैक एंड वाइट। ये देखो कैसे देख रहा कैमरे में, पूरे घर में उछल कूद। और इन्होंने आधे ही दिन में हमारा पूरा होम टूर ले लिया है घूम घूम के, देखो कैसे कैसे कर रहा। तो ये हैं हमारे दो नन्हे से क्यूट से रैबिट। ये देखो फोन में आ रहा पापा को भी नहीं पता था। हाँ हाँ, पापा को भी नहीं पता था, सिर्फ हमारा तीनों का प्लान था ये। पापा को एकदम से सरप्राइज मिला के जब ये दोनों फुदक रहे थे घर में। पापा से पूछ कैसा लगा पापा को, वापस ही पूछते। ये देखो ये तो अब सोने की तैयारी में आ गया, लौट गया। अब जी हाँ जी, कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर। बहुत ज्यादा थकान, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के फिर वही अपनी करते हैं पूजा की, नवरात्रों की तैयारी जो कि इस बार आपको करनी, इस बार तो पापा को करनी। और इनको अच्छे से खिला पिला दिया है, उन्होंने कहा था नहला देना तो नहला भी दिया है। छोटे हैं ना, अभी तो नहलाए नहीं होंगे, एक बार भी नहलाए नहीं गए होंगे ना। हाँ, आज हमने मेरे ख्याल से पहली बार ही नहलाए होंगे। और जैसा कि हमें बताया गया है ये तकरीबन एक महीने के आसपास के हैं, अभी 20-30 days के हैं ये अभी। तो दोनों ही बहुत क्यूट हैं। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट वाले की तो ब्लैक हैं आंखें और व्हाइट वाले की रेड। और आप लोग बताना कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है आपको? हमें तो दोनों बढ़िया लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से। ब्लैक वाला थोड़ा सा बड़ा है और व्हाइट वाला हल्का सा उससे छोटा है। मेरे एक फ्रेंड के पास है खरगोश, तो वो मैं एक दिन रिकॉर्ड करके लाया था, उस मम्मी को पसंद आ गया, मम्मी बोली हम भी लेंगे। तो बस दो दिन पहले ये सब हुआ और आज दोपहर को ये आ गए हैं हमारे घर। बताइएगा जी कैसे लगे आपको हमारे घर के दो न्यू मेंबर्स, छोटे छोटे से। तो चलिए जी, अब इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो में कुछ भी पसंद आए नहीं आज तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, हमारे नन्हे मेहमान के लिए लाइक कर दीजिएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।